कैसे आप सब लोग, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आप लोग के साथ कच्ची कढ़ी की रेसिपी शेयर करी। तो देखिए हम लोग किस तरीके से बनाते हैं। इसमें अभी हम लोगों ने चार मिर्ची ऐड की है। मैं अपनी फ्रेंड के इधर आई हूँ, चाहिए वो हिसाब से आप मिर्ची ऐड करो। मैं अपनी फ्रेंड के इधर आई हूँ, उनकी रेसिपी है, सोचा चलो आप लोगों के साथ शेयर कर लूं। कोथमीर डाल दो, थोड़ी कोथमीर आप आपके हिसाब से डालिए। चार हरी मिर्ची लिए क्योंकि आप जितना तेज खाते उसके हिसाब से। पीनट्स डालो, ये पीनट डालो आप। तेल डालो, तेल है आप आपके अंदाज के हिसाब से डालिए। कितना स्पून होगा ये? मैं तो अपने अंदर से डाली, मतलब टू टेबल स्पून से तेल है। और सिंग, सिंग अब 50 ग्राम, 50 ग्राम जितनी सिंग है ये हो गया। और इसमें डाल देंगे जीरा, 1 टेबल स्पून जीरा डालिए। और इसमें डालिए सॉल्ट, आप डालिए आपके टेस्ट है। पूरे करी लीफ डालना, थोड़ा सा पानी डाल के इसका फाइन पेस्ट बना लेंगे। थोड़ी दही भी ऐड करेंगे इसमें, बाद में और दही जाएगा, फिलहाल इतना करके मसाला साथ में पीस लेंगे। दही ऐड करके थोड़ी दही डाल के इसको फाइन पेस्ट बना लेंगे। बिल्कुल देखिए कैसे अच्छे एकदम फाइन पेस्ट बन गया, चाहिए ना। अभी इसमें और थोड़ा दही ऐड करेंगे। जितनी कढ़ी बनाना उतनी, जितना हमें कढ़ी तो हाफ के जी जितना है ये पूरा दही, हाफ के जी दही है इसमें। थोड़ा उसमें ग्राइंड करने में पेस्ट में भी थोड़ा दही और थोड़ा इसमें ऐड किया। दही दा है हाफ के जी का पैकेट है। अब आपके हिसाब से कोई भी दही ले सकते हैं। हमने फिलहाल नहीं था तो पैकेट वाला ही ले लिया। अभी देखे हमने ये फाइन पेस्ट जो दाल बनाया था ना वो ऐड कर दिया इसमें। ठीक है, अभी मिक्सचर का थोड़ा पानी ऐड कर दिया। अभी आपके हिसाब से आपको जितना ठीक रखना है, थोड़ा पतला रखना है आपके हिसाब से ही रखिए, लेकिन ये ज़्यादातर ठीक ही अच्छा लगता है। बहुत ज़्यादा पानी में ज़्यादा पतला नहीं करना, उसको अच्छा ठीक लेगा तो अच्छा लगेगा खाने में, बहुत टेस्ट भी आएगा। ठीक है, मिक्स कर लें। एकदम सिंपल इजी है, चटपट बनने वाली। डाल दिए, थोड़ा पानी डालेंगे इसमें, मीडियम ठीक, एकदम भी ठीक नहीं है बहुत पतला भी नहीं, देख रही मीडियम ठीक है, दिख रहा है ना मीडियम ठीक। ठीक है, ये पकेगा तो थोड़ा ठीक होगा। ये पकेगा नहीं, क्यों? कच्चा है ये, कच्ची कड़ी है, इसमें सिर्फ भगार होगा। ओ बस ये कच्ची कड़ी है, ये मेरी फ्रेंड की रेसिपी है, इसमें सिर्फ बघार होगा। अभी बस हो गया, अभी इसमें बघार करेंगे हम, तो पकाना नहीं है। यस, इसमें कड़ी पत्ते ऐड किए, बघार गई है। तेल अभी थोड़ा पानी डालें, कितने स्पून डाले? दो का छोटा सा, दो टेबल स्पून डाले, बहुत कम तेल जाते हैं इसमें। अभी जीरा डाले, हाफ टेबल स्पून जितना राई है। देखिए अभी इसमें हरा धनिया आ रहा है, मेरी फ्रेंड बस बहुत अच्छी लगेगी ये, इनकी रेसिपी में फर्स्ट टाइम खाऊंगी अभी इनके घर पे। देख ये थोड़ा रेड हो गया बघार, थोड़ा कड़कड़ हो रहा है ना, बहुत ज्यादा काला भी नहीं करना। देख अभी ये इसमें बस ये हो गई है, इसको ना पकाना है ना कुछ, ऐसा हिलाओ और बस सिम को बंद कर दो, बस ठीक बनी है।
इसी पैक में रखना है हमें बस। हमारी कड़ी कच्ची कड़ी इज रेडी, इसमें हल्दी कुछ नहीं जाता है, सिर्फ सिंपल एंड इजी। जब हमारे घर में बहुत काम हो गए, हमको ये खाना है तो झटपट बना के खा लेंगे, लेकिन टेस्टी भी उतनी बहुत ही यम्मी और टेस्टी बनती है। ये बेसन की कड़ी, ये बेसन की कड़ी से मस्त है, टेस्ट अच्छा है, यम्मी यम्मी। ये फ्रेंड्स, ये कच्ची कड़ी बन के रेडी हो गई, बहुत ही यम्मी थी, बहुत ही टेस्टी थी। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही जल्दी और 15 मिनट में बन जाती है। और कमेंट्स में मुझे बताना कैसी बनी थी, और हमें जल्दी बनाना है तो यही रेसिपी ट्राई कर सकते हैं।